हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागी क्लब में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गंगा एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट के बारे में। गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट कब फाइनल होगा, साथ ही बात करेंगे कि इसकी DPR अभी तक क्यों अपलोड नहीं हुई है। तीन पैकेजेस की, पैकेज 1, 2 और 7 की DPR अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुई है, अलाइनमेंट कब तक फाइनल होगा, इस बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम UPDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गंगा एक्सप्रेसवे। आप यहां पर देख सकते हैं अभी तक सब कुछ पुरानी चीज़ डली हुई है। यहां पर डिस्ट्रिक्ट विद एंड पॉइंट लेंथ कितनी है इसकी, सब अभी तक पुरानी है, अभी तक कुछ अपलोड नहीं हुआ है। और अभी पैकेज 1, 2 और 7 की DPR अभी तक अपलोड नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक अलाइनमेंट फाइनल नहीं हुआ है। मेरठ जो है अभी होल्ड पर है और हापुड़ भी साथ ही इसके। दोस्तों, जो हाजीपुर से प्रस्तावित है अब गंगा एक्सप्रेसवे, जैसे कि इसमें DPR में भी बताया गया था, तो उसमें दोस्तों जो किसान हैं हाजीपुर की तरफ के, वो वहां पर समर्थन कर रहे हैं नए अलाइनमेंट का। और जो काशी से प्रस्तावित था पहला पुराना अलाइनमेंट, वहां पर किसानों का विरोध अभी तक जारी है। किसान विरोध कर रहे हैं कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो पुराने अलाइनमेंट पर ही निकाला जाए, जैसे कि 14 महीनों से उनकी ज़मीनों के जो बैनामे थे वो बंद हैं। तो वो किसान विरोध कर रहे हैं कि जो अलाइनमेंट पुराना है वहीं से गंगा एक्सप्रेसवे निकाला जाए, और जो समर्थन कर रहे हैं वो हाजीपुर की तरफ के किसान कर रहे हैं कि जो नया अलाइनमेंट है कम खर्च वाला, उसी को वहां से गंगा एक्सप्रेसवे निकाला जाए। तो दोस्तों, ये अभी तक DPR इसीलिए अपलोड नहीं हुई है क्योंकि अलाइनमेंट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही अलाइनमेंट फाइनल हो जाएगा, सब चीज़ यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, सब चीज़ चेंज हो जाएगी यहाँ पर, तब हम आपको अपडेट कर देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।